हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम सीख रहे हैं नई चीज, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना रहे थे हम अब तक, अब हम सीखेंगे अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करें। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट जो याद होना चाहिए, हमने सीखा था पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। तो अगर आपके को लाइक टर्म्स का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। बाकी अब हम सीख रहे हैं कि हम एडिशन कैसे कर रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। चलिए फिर, सो हमें ये तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पर, एंड दिस दिस एंड दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं इनको ऐड करने के लिए। पहला कॉलम मेथड देख लेते हैं हम। वी आर एडिंग यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम मेथड हो सकता है आपको कॉलम मेथड एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल मेथड ईजी लगे, बट धीरे धीरे हम हॉरिजॉन्टल मेथड को ही फॉलो करते हैं आगे। स्टिल एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द कॉलम मेथड। तो कॉलम, वी ऑल नो कॉलम्स आर वर्टिकल, सो हमें इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कॉलम की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट वाला 3x² + 5y² + 7। पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ऐसे ही लिखा। अब हमें टर्म्स ऐड करनी है, तो हम हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन में हमें ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करना है। तो इसकी पहली टर्म है 9x², तो x² वाली टर्म x² के नीचे ही लिखेंगे। So 9x², then -6y², y² वाली टर्म y² के नीचे, और y² वाली टर्म कौन सी है? -6y², so -6y² -8। this now इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x² वाली टर्म x² के नीचे, that is -2x², so -2x² -4y² कांस्टेंट के नीचे, कांस्टेंट -1। हमें इन तीनों को ऐड करना है। अब साइन हमेशा ध्यान रखें, जिस भी वेरिएबल से पहले जो साइन है वो उसी टर्म का है, उसी तरह हमने ये सब लिख लिया है। अब हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं। सो एडिशन करते हुए जो भी हमारा ये वेरिएबल है, इन तीनों टर्म्स के लिए सेम है लाइक टर्म्स, वेरिएबल एज इट इज आएगा x², बाकी जो कॉन्स्टेंट्स है यानी इन टर्म्स के कोफिशियंट्स तीनों के, उनको सिंपली सॉल्व करेंगे 3 + 9, और उसमें हम ऐड कर रहे हैं माइनस का 2। 3 + 9 - 2 कैसे है वो प्लस कर रहे हैं, माइनस 2 सिंपली ऐड कर रहे हैं हम कॉन्स्टेंट्स को। देन 3 + 9 = 12 + -2 विच इज 10। सो आवर आंसर इज 10x² लाइक टर्म्स। नाउ इसमें भी y² ऐसे आएगा, एंड इन टर्म्स को सॉल्व करके क्या आने वाला है कोफिशियंट्स को, +5 - 6 - 4 सो 5 ऐसे रहा, -, +6 +4 इज 10, साइन बड़े वाले का माइनस, सो 5 - 10 इज -5, यहाँ आ गया -5 y². नेक्स्ट 7 - 8 - 1 7 - 8 - 1 7 - - +8 + 1 9, बड़े वाले का साइन माइनस, 7 - 9 - -2, सो आवर आंसर इज -2। सो दिस वाज वन मेथड टू सॉल्व हाउ टू ऐड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमने इन तीनों को ऐड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, इन तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे 3x² + 5y² + 7 एक ब्रैकेट में, इसमें ऐड कर रहे हैं दूसरे एक्सप्रेशन, इसके आगे लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं हम एक रो में,
इसमें क्या ऐड करेंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन 9x² - 6y² - 8। अब इसमें ऐड करेंगे थर्ड एक्सप्रेशन, कौन सा है, दिस वन, -2x² - 4y² - 1। हमने ये तीनों जेनरिक एक्सप्रेशन लिख लिए हैं, इनको ऐड करना है बस इक्वल्स टू। अब ऐड करने के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, बॉड मास। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट, हमें इन सब टर्म्स के ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं। 3x² + 5y² + 7। अब बाहर प्लस का साइन है, नो साइन चेंज, एज इट इज आ जाएगा, प्लस 9x² - 6y² - 8। अब यहाँ पर हमें ऐड करना है प्लस माइनस, क्या होगा ये ब्रैकेट इसीलिए यूज होते हैं कि उसके बाहर जो साइन है उससे आप सबके साइन चेक करेंगे। सो प्लस माइनस -2x² देन प्लस माइनस -4y² प्लस माइनस -1। नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। फर्स्ट टर्म इज 3x², तो x² वाली टर्म्स जहाँ भी हैं, दिस वन दिस वन, इनको आप x² वाली टर्म के साथ ही लिखेंगे। सो दिस इज पॉजिटिव प्लस 9x² साइन के साथ लिखेंगे, दिस इज -2x² -2x² लिख दीजिए, x² वाली टर्म हो गई। नाउ नेक्स्ट इज प्लस 5y², y² के साथ y² वाली टर्म्स, -6y² एंड -4y² डन। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है प्लस 7 -8 देन -1। सारी टर्म्स लिख लिए हमने, नाउ अब हम इनको सॉल्व करते हैं। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व करेंगे, x² 3x² प्लस 9x² वेरिएबल ऐसी रहा, कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करा, कोफिशियंट्स को वेरिएबल ऐसे ही रहा, कोफिशियंट्स को सॉल्व करा, 3 + 9 = 12 देन -2x². नेक्स्ट प्लस 5y², दिस माइनस माइनस प्लस, सो 6 + 4 = 10, साइन बड़े वाले का, -10y² प्लस 7, दिस माइनस माइनस प्लस, 8 + 1 = 9, -9। नेक्स्ट 12x² - 2x² 12 - 2 10x², नाउ प्लस 5y² -10y² y² तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 - 10 -5y² प्लस 7 - 9 -2। दिस इज आवर आंसर। अब कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड किसी से भी सॉल्व करिए, आंसर आपका एक ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप, सेम आंसर है। सो आप कोई भी मेथड यूज करिए, आपको बस ऐड करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐड दिस दिस एंड दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं, कॉलम मेथड के लिए आप कर सकते हैं लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख के, वेरिएबल ऐसे ही रहेगा, कोफिशियंट्स को सॉल्व कर देंगे। अब हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, इन तीनों को हमें बस ऐड करना है, तो पहले ऐसे ही सेम लिखेंगे, -y³ प्लस दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x³ -2x² y² प्लस 8y³। फिर इसमें ऐड करना है ये पूरा एक्सप्रेशन, -6x³ प्लस 4x² y² -4y³। अब प्लस माइनस, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लगा सकते, तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 6x³ + x² y² -y³ प्लस 2x³ -2x² y² प्लस 8y³। नाउ प्लस माइनस, -6x³ प्लस प्लस इज प्लस 4x² y² प्लस माइनस
माइनस फोर वाई क्यूब। नाउ लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, सिक्स एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाली टर्म प्लस टू एक्स क्यूब, नेक्स्ट माइनस सिक्स एक्स क्यूब, ये टर्म्स एक्स क्यूब वाली, देन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई, देन माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब वाली और टर्म्स प्लस एट वाई क्यूब, देन माइनस फोर वाई क्यूब हो गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, सो सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब, दिस विल कैंसिल आउट, एक्स क्यूब वेरिएबल प्लस सिक्स माइनस सिक्स जीरो, प्लस टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से आया हमारा टू एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे आया, हमें क्या सॉल्व करना है, जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है वेरिएबल से पहले तो दैट इज वन, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय वन विल रिमेन एज इट इज, सो प्लस वन माइनस टू प्लस फोर, ये सॉल्व करने हैं। हमेशा लाइक टर्म्स को ही आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या किसी और वेरिएबल के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो वन प्लस फोर इज फाइव माइनस टू दैट इज थ्री, सो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन वाई क्यूब वाली टर्म्स के लिए माइनस वन कुछ नहीं है तो वन है, माइनस वन प्लस एट माइनस फोर, माइनस वन प्लस एट माइनस फोर, इसे सॉल्व करके क्या आएगा, माइनस वन और माइनस फोर को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस बड़े वाले का साइन, माइनस फाइव प्लस एट, एट माइनस फाइव इज थ्री, सो प्लस थ्री वाई क्यूब, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट इफ पी इज दिस क्यू इक्वल्स टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड पी प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू। अब p तो एज इट इज है, हमें p प्लस टू क्यू निकालना है, p की जगह हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रख सकते हैं प्लस टू क्यू, अब q है हमारे पास तो टू क्यू नहीं है, पहले हम वैल्यू निकालेंगे टू क्यू की, कैसे निकलेगी, टू क्यू कोई साइन नहीं है दैट मीन्स इट्स मल्टीप्लीकेशन है, टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे q को, अब q की वैल्यू क्या है, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है टू से, क्या आएगा, इस टू को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सो टू टू जार फोर वेरिएबल एज इट इज, फोर एक्स, देन प्लस का टू है प्लस माइनस माइनस टू इंटू वाई टू वाई, देन प्लस 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 टू, अभी हमने इससे क्या था, अब जेड से करेंगे, टू मल्टीप्लाई बाय जेड इज टू जेड, टू क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं पी प्लस टू क्यू, सो पी प्लस टू क्यू इज, पी की जगह पी वाला एक्सप्रेशन रखेंगे, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड, इसमें हमें ऐड करना है टू क्यू, प्लस टू क्यू की वैल्यू ये पूरी यहाँ रख देंगे, फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड। अब लाइक टर्म्स एक साथ, पहले ब्रैकेट रिमूव, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस पूरा एज इट इज, फोर एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, एक्स एक्स के साथ एक्स वाली टर्म प्लस फोर एक्स, देन प्लस टू वाई, वाई के साथ वाई वाली टर्म माइनस टू वाई, देन प्लस थ्री जेड, जेड के साथ जेड वाली टर्म प्लस टू जेड। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस फोर एक्स, एक्स से पहले कुछ नहीं है दैट मीन्स वन, सो वन प्लस फोर इज फाइव वेरिएबल एक्स एज इट इज, प्लस टू वाई माइनस टू वाई इट्स जीरो, देन प्लस थ्री जेड प्लस टू जेड इज फाइव जेड, सो आंसर ये है हमारा। अब इसमें से हम फाइव कॉमन भी ले सकते हैं, हमारी दोनों टर्म्स में फाइव है, सो फाइव हमने कॉमन ले लिया बाहर, अब फाइव
हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से। सो 5 बाहर लेने के बाद यहाँ हमारा सिर्फ x बचा, सो इट इज x प्लस आंसर इज, यहाँ से 5 कॉमन हम ले चुके हैं, z बचा। अब ये कॉमन हमने सही लिया है या नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, नीचे वाले स्टेप से वापस आपका पहले वाला स्टेप बनना चाहिए। सो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो y z, दैट मींस हमने ये सही लिखा है। सो दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे हम कितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें मिल जाए सिंपली ऐड कर सकते हैं इजीली। बस ध्यान किस बात का रखना है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं, वेरिएबल एज इट इज रहेगा और जो उनके कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।